हेलो एवरीवन। सो आज हम इस लेक्चर में नेविगेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं एक आपकी टर्म क्लियर करना चाहता हूँ कि नेविगेशन होता क्या है। नेविगेशन मतलब जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर में आपने जैसे कि जूमिंग, पैनिंग या फिर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट वगैरह इतना सारा आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे 3D सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी तरीके से या फिर अलग तरीके से हम इस सब का ध्यान देते हैं। जैसे कि पोजीशन मुझे चेंज करवाना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है या फिर कैमरा किस तरह एनेबल होता है, तो ये सारा हम अभी देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो सब लोग ध्यान दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ। ओके ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो वेलकम विंडो या फिर स्प्लैश विंडो आती है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी स्प्लैश विंडो आ गई है हमारी। ओके, उसमें तो सबसे पहले तो हम जनरली ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें अभी तो 2D एनिमेशन नहीं करना है, स्क्रिप्टिंग नहीं करना है, VFX नहीं करना है, वीडियो एडिटिंग भी नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं जनरल सिलेक्ट कर देता हूँ। जनरल सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि इस व्यूपोर्ट को या फिर इस वर्क स्पेस को या फिर इस वर्किंग एरिया को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट वगैरह करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको रोटेशन वगैरह करना है, तो आपके पास ये एक्सिस है, जैसे कि आपको व्यू हो रहे होंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो उसी प्रकार आप ये कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए भी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज होगी तो अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे जूम इन और जूम आउट करना है। ओके, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्या करना है, फोकस करना है। अभी तो मैंने किसी को भी बताया नहीं है कि नए ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, कि क्या करेंगे। इसी ऑब्जेक्ट को मैं मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तो बेसिकली क्या है कि मुझे इसके ऊपर जूम इन और जूम आउट करना है, तो सिर्फ अपने माउस का जो स्क्रोल बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये हमारा स्क्रोल इन हो रहा है, मतलब जूम इन हो रहा है, और सपोज मैंने स्क्रोल आउट किया तो ये जूम आउट होता है। ओके, तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है आपकी। वैसे ही मुझे क्या करना है, अभी मुझे पैन करवाना है। पैन मतलब वन साइड टू अनदर साइड, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट लेना है या फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लेना है, तो ये करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ेगी, शिफ्ट प्लस मिडल बटन। ओके, मैं शिफ्ट बटन प्रेस करता हूं और मिडल माउस बटन से मैं पैन करता हूं। देखो, इट जस्ट पैन। सिर्फ क्या यूज किया है मैंने यहाँ पे, शिफ्ट बटन प्रेस किया है और माउस का स्क्रोल बटन यूज किया है। देख सकते हो आप ऊपर नीचे वगैरह ये सब कर सकते हो। ओके, ये होने के बाद में सपोज मुझे ऑर्बिट के जैसा करना है, तो मैं सिर्फ मिडल माउस बटन क्लिक करता हूँ। इससे क्या होता है, देखो पूरा ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये है ऑर्बिट व्यू। ऑर्बिट व्यू मतलब जैसे कि 360 जैसा है। देखो, सब साइड की तरह मैं ध्यान दे सकता हूँ। ओके, मैं शॉर्टकट कीज वगैरह आपको भेज दूंगा PDF के रूप में या फिर इमेज के रूप में। यहाँ पे मैंने सिर्फ माउस का मिडल बटन क्लिक किया हुआ है। देन उसके बाद में सपोज हम अभी इसके ऊपर आते हैं, पैनिंग भी हो गया। अभी तो आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सपोज इसके ऊपर अलग अलग व्यूज अप्लाई करने हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये फ्रंट व्यू में चाहिए, ये मेरी पूरी विंडो क्या करनी है, मुझे फ्रंट व्यू में लानी है। तो यहाँ पे एक इजिएस्ट वे दिया है, जैसे कि अलग सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैक्स माया में अलग प्रोसेस दिया है कि एफ बटन दबाओगे तो डायरेक्टली फ्रंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपका कीपैड का वन नंबर बटन दबाओगे तो ये फ्रंट में जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये फ्रंट में जा चुका है पूरा। आप यही पे भी जैसे कि पैनिंग, जूमिंग वगैरह यूज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे जूम इन भी कर रहा हूँ, जूम आउट भी कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे पैनिंग करना है, तो शिफ्ट प्लस
मिडल स्क्रोल बटन प्रेस कर देता हूं, तो देखो ये भी पैनिंग हो जाती है, ओके एक्स और वाई एक्सिस की तरह, क्योंकि अभी ये 2D व्यूज है। एक तरह ध्यान दीजिए, 2D व्यूज कौन से होते हैं आपके, जैसे कि फ्रंट व्यू है, सिप लेफ्ट व्यू है, राइट व्यू है, टॉप व्यू है, ये जस्ट 2D व्यू है। लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू होता है वो एज अ 3:4 रहता है, मतलब आप उसको 360 जैसा घुमा सकते हैं। ये 2D व्यू नहीं होता है, वो 3D व्यू होता है, ओके अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज मैंने एक बटन दबा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रंट में आ गए, लेकिन मुझे यहाँ पे साइड व्यू में जाना है, तो साइड व्यू में जाने के लिए मैं 3 बटन दबा दिया। अभी आप देखोगे कि मैंने 3 बटन दबा दिया लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बिकॉज ऑफ ये ये आपका पूरा क्यूब है। देखो मैंने 1 बटन दबाया तो फ्रंट आ गया, 3 बटन दबाया तो राइट आ गया, मतलब साइड और राइट ये दोनों तरीके से आ सकते हैं। लेकिन मुझे अभी फिर से पर्सपेक्टिव में जाना है, ओके मैं पर्सपेक्टिव से फ्रंट व्यू में आया था या फिर फ्रंट व्यू से मैं राइट व्यू में आया था, लेकिन मुझे क्या करना है, पर्सपेक्टिव में जाना है। पर्सपेक्टिव में जाने के लिए आपको 5 बटन प्रेस करना पड़ेगा, टू प्रेस 5 बटन। तो देखो ये पर्सपेक्टिव में आ चुका है, अभी तो ये तो आया है, लेकिन आपको ये रोटेट करवाना है तो आप ये रोटेट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि आपको इसको एक अच्छी तरीके से घुमाना है तो ऑर्बिट व्यू का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ओके तो फिर से मैं बता देता हूं, 1:2 फ्रंट होता है, 3:2 क्या होता है कि राइट बटन होता है, और 5 बटन दबाने से आपका पर्सपेक्टिव व्यू आता है। उसी तरीके से मैं टॉप व्यू में जाना चाहता हूं तो 7 बटन दबा दो। देखो मैंने 7 बटन दबा दिया तो ये टॉप व्यू में गया है। देखो अभी इसको मुझे नीचे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैनिंग करना पड़ेगा। पैनिंग करने के लिए मैंने शॉर्टकट कीज आपको बता दी है, तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, जैसे कि शिफ्ट बटन दबा दो और मिडल स्क्रोल बटन दबा दो, ओके शिफ्ट प्लस मिडल बटन दबाने से ये पैन हो रहा है, मतलब ये टॉप में है अभी, अभी तो ये क्यूब है, इसके लिए आपको इसी तरह एक साइड से ही दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे टॉप ऑर्थोग्राफिक आ चुका है आपका, अभी उस प्रकार मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, मुझे डाउन व्यू में दिखना है तो मैं 2 बटन प्रेस कर देता हूं, तो देखो ये इस तरह दिखेगा। उस तरीके से मुझे अप में दिखाना है तो मैं 8 बटन दबा दूंगा, तो देखो 2 और 8 में यहाँ पे फर्क है बहुत सारा, ओके या फिर मुझे इस तरह घुमाना है तो मैं ये इस तरह कर सकता हूं। देखो जैसे कि व्हील वगैरह घूम रहा है तो ये दिखाना है सबको, लेकिन ये घूम नहीं रहा, ये व्यू आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। देखो 8 से क्या होता है, आपका अप में जाता है और 2 से डाउन में आता है। देखो ओके क्लियर। देन उसके बाद में सपोज मुझे फिर से फ्रंट में आना है तो मैं 1 बटन दबा देता हूं, मुझे पर्सपेक्टिव में जाना है तो 5 बटन दबाता हूं। तो देखो यही पे आप रोटेशन वगैरह दे सकते हो, जैसे कि रोटेशन देना है मुझे तो मैं यहाँ पे कंट्रोल का भी बटन प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल और मिडल माउस बटन दबा के मैं इसको जूम इन और जूम आउट जिसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जूम और जूम इन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा पर्सपेक्टिव टाइप में दिख रहा है, इसकी जो ग्रिड्स है वो पर्सपेक्टिव, ओके इसकी जो ग्रिड्स वगैरह है सर, वो एक साइड से आ रही है। हेलो आवाज आते हैं सर, ना सर ना ये इतनी आवाज टूटा टूटा देता है आवाज, हो सके नेट ये तो है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिंबल आता है तो ना सर आवाज, हाँ सर आता है, लाला मार से टूटा टूटा आवाज आता है, ओके ठीक है। So, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन दबा के मिडल माउस बटन दबा के इसको जैसे कि पैन वगैरह कर सकते हो, देखो ओके तो ये इस तरह है। अब सपोज मुझे टॉप में जाना है तो मैं यहाँ पे 7 बटन दबा के टॉप में फिर से जा सकता हूं,
जैसे कि मैंने फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको अप डाउन प्रोसेस करनी है आपके क्यूब की या फिर मॉडल की, तो यहाँ पे 2 और 8 बटन दबा दो, 8 बटन से अप में जाएगा आपका यहाँ पे, ओके, और 2 में से इस तरह अप्लाई होगा, ओके, और नॉर्मल व्यू में सपोज आपको आना होगा तो आप यहाँ पे जैसे कि पर्सपेक्टिव व्यू को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बटन यहाँ पे दबा देता हूँ 5 वगैरह, देखो सब बटन्स में यहाँ पे प्रेस किया है, ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये व्यू क्यूब टाइप में होता है, मतलब मैक्स में वगैरह माया में वगैरह इसको व्यू क्यूब बोलते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इट ये आपके पूरे क्या हो चुके हैं, व्यूज हो चुके हैं, मतलब हमेशा याद रखो कि फ्रंट में जाने के लिए आपको 1 बटन प्रेस करना पड़ेगा, 3 बटन प्रेस करोगे तो राइट व्यू में आएगा, 5 बटन प्रेस करोगे तो पर्सपेक्टिव में जाएगा, 7 बटन दबाओगे तो टॉप में जाएगा, और उसी प्रकार मैंने आपको बताया है कि अप और डाउन व्यू में आने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए डाउन के लिए 2 बटन दबा दो और अप के लिए आपको 8 बटन दबाना है। तो ये जस्ट आपकी क्या हो चुकी है, एक नेविगेशन की सेटिंग हो चुकी है। अभी इसके अंदर मैं सपोज एक आपको बता देता हूँ कि ये जो वाला कंटेंट है, ये जो आपका कंटेंट मतलब क्यूब है, इसको मुझे वायर फ्रेम नहीं दिखाना है। अभी तो ये आपको किस तरह दिख रहा है, फील हो चुका है, मतलब ग्रे कलर पूरा फील हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सपोज वायर फ्रेम में चाहिए तो जेड बटन दबा दो। जेड बटन दबाने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक सॉलिड है, दूसरा रेंडर है, तीसरा वायर फ्रेम है और चौथा मटेरियल प्रीव्यू है। अभी तो मैं आपको रेंडर और मटेरियल प्रीव्यू के मतलब लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको अभी तो वायर फ्रेम क्या होता है और सॉलिड क्या रहता है ये समझना चाहिए। सॉलिड मतलब क्या है, फिल हो चुका है। तो सपोज मैं यहाँ पे वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करके देता हूँ, तो देखो ये वायर फ्रेम में आ चुका है, दिख रहा है सबको? हाँ, ओके। तो फिर से मैं इसको फील करना चाहता हूँ, तो फील करने के लिए इजिएस्ट वे है, जेड बटन दबा दो और ट्रैक करो सॉलिड के ऊपर, तो ये फील हो चुका है। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे जेड बटन दबा दिया और यहाँ पे रेंडर किया, तो देखो नॉर्मल आपका जो सॉलिड था और अभी ये जो रेंडर है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि लाइट्स का सोर्स ये यहाँ पे लाता है। देखो यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट है वो ज्यादा ग्लॉसीनेस हो रहा है, मतलब चमक रहा है, लेकिन इधर का जो पार्ट है वो एज अ शैडो में दिख रहा है, और इधर का राइट साइड का जो पार्ट है वो भी क्या हो चुका है, लाइट है लेकिन थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू टॉप के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स अप्लाई होती है। उसी प्रकार मैं फिर से जेड बटन दबा देता हूँ और सॉलिड के ऊपर आता हूँ, तो देखो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जब आप रेंडर व्यू में जाते हो या फिर रेंडर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है, आपको ये रियलिस्टिक व्यू में दिख जाता है। रियलिस्टिक व्यू में जो भी कुछ चीजें रहती है तो उनको रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है। रिफ्लेक्शन मतलब आपको मालूम है कि जैसे कि रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कि आपके सामने कांच है तो आप दिख जाते हो वहां पे, या फिर ग्लास है तो दिख जाता है, और रिफ्रैक्शन मतलब क्या, बाउंसिंग टू अनदर साइड। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नदी का पानी है या फिर तालाब का पानी है, तो नीचे का जो कुछ दिखता है वो रिफ्रैक्शन के टाइप में दिखता है। और ग्लॉसीनेस वगैरह ये जो क्या रहता है, जैसे कि स्टील वगैरह है, जहां से लाइट वहां पे चमकेगी वो ग्लॉसीनेस हो जाता है पार्ट, मतलब शाइननेस पार्ट वहां पे ज्यादातर रहता है। ओके, सो इट्स अ बेसिक सेटिंग फॉर नेविगेटिंग। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मतलब आपको पता चलना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं फिर से कंट्रोल एंड बटन दबा देता हूँ, तो देखो मैंने न्यू फाइल लिया यहाँ पे, तो भी मुझे पूछ रहा है कि आपको जनरल में लाना है, 2D एनिमेशन करना है, स्कल्पटिंग करना है, VFX लाना है या फिर वीडियो एडिटिंग करना है। तो मुझे जनरल ही चाहिए, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डोंट सेव करना है, ओके,
और वैसे ही ब्लेंडर की फाइल डॉट ब्लेंड में सेव हो जाती है, मतलब उसका एक्सटेंशन है, ये तो आपको पता रहना चाहिए। ओके अभी सपोज मैं फिर से आता हूँ, ये आपका देखो ये यूजर पर्सपेक्टिव है, ये क्या है आपका यूजर पर्सपेक्टिव। अभी मैं इसको वन बटन दबा देता हूँ तो फ्रंट में आ गया है। ओके वैसे ही मैंने टू बटन दबा दिया तो ये एज वेल एज क्या हो चुका है कि डाउन व्यू में गया है। देखो मैं अभी ये चेंज कर रहा हूं तो देखो इस प्रकार जा रहा है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में ही रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे तीन बटन दबा देता हूँ तो ये राइट व्यू में आता है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे फोर बटन दबाऊंगा तो जैसे मैंने टू और एट बटन दबाए थे तो उसी प्रकार यहाँ पे फोर और सिक्स बटन एज वेल एज लेफ्ट टू राइट वो मूव हो जाएगा। देखो ओके ये व्यू की सेटिंग है, और सिक्स बटन दबाओगे तो ये अपोजिट होगा, मतलब फोर और सिक्स ये अपोजिट है जैसे कि टू और एट थे उसी प्रकार, मतलब ये लेफ्ट और राइट के लिए ज्यादातर यूज है। मैं पांच बटन दबा दूंगा तो यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा, लेकिन आप बोलोगे कि तू कि ये फ्रंट में दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से व्यू क्यूब से वगैरह चेंज भी कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं फिर से पांच बटन दबाऊंगा तो देखो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कि फ्रंट में रहते हो और यहाँ पे रोटेट करते हो, मतलब ऑर्बिट करते हो, ऑर्बिट करने के लिए सिर्फ मिडल माउस बटन जरूरी है। तो देखो तो यहाँ पे भी ये पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। ओके और मैं सेवन बटन दबाऊंगा तो ये टॉप में चला जाएगा, और नाइन बटन दबाऊंगा तो देखो ये भी उसी प्रकार बॉटम की तरह हो रहा है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कोने में मिल जाएगी।